हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। यहाँ पे देख सकते हैं कभी कभी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि ये देखिए यहाँ पर 3 अपॉन अपॉन 4 है, ठीक है। अब दो बार अपॉन अपॉन लगा हुआ है और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 है, तो ऐसे में आप कंफ्यूजन में चले जाते हैं कि पहले सॉल्व किसको करें, ठीक है, क्योंकि ये तो एक्सपोनेंट है, तो क्या एक्सपोनेंट को पहले सॉल्व किया जाए, क्या फ्लोर डिविजन, इसे कहते हैं फ्लोर डिविजन ऑपरेटर, तो फ्लोर डिविजन को पहले सॉल्व किया जाए। तो ऐसे में ये याद रखिएगा कि जब भी सॉल्व कीजिएगा तो एक्सपोनेंट पहले कीजिएगा, ठीक है। अब एक्सपोनेंट को सॉल्व करेंगे तो होगा क्या, जैसे मान लीजिए ये एक्सपोनेंट है तो 4 4 जा कितना होता है 16 होता है, तो 16 जो है यहाँ पे आ जाएगा। और फिर देखिए अगर आपको दिक्कत होती है इसको सॉल्व करने में तो आप अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसका आंसर तो यहाँ 0 ही आएगा। क्यों 0 आएगा, क्योंकि 16 हो जाएगा और 16 से 3 में तो डिवाइड करेंगे तो फिर तो कहाँ, फ्लोट डिविजन ऑपरेटर हमेशा इंटीजर में ही वैल्यूज हमें ला करके देता है। तो आप एक काम कर सकते हैं, ये करिए कि यहाँ पे 4 × क्या है 2 है, तो यहाँ पहले 4 × 2 देख लीजिए 16 हो रहा है, ठीक है। अब जरा देखिए 3/2 बार है, यानी कि ये फ्लोर डिवीजन की बात हो रही है और 16 से इसको करना है तो कहाँ फिर जाएगा ये, तो फिर तो 0 ही आएगा ना, कहाँ जाएगा 0 तो आएगा ही आएगा, हर हाल में 0 आना है क्योंकि ये तो डिवाइड ही नहीं कर पाएगा इसको, तो फिर तो 0 आएगा, तो ये 0 इस ऐसे ऐसी स्थिति में हमेशा 0 ही आएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, तो यहाँ पर अगर मैं 6/7 करूं तो फिर भी तो 0 आएगा, 7 से 6 में कहां डिवाइड हो पाएगा, नहीं आएगा, तो 0 आएगा आंसर। तो जब भी इस तरह की बात आए, अधिक जो है भाग देने वाली संख्या बड़ी हो इन कंपैरिजन टू जिसमें भाग जा रहा है उस संख्या से, तो ऐसे में आप हमेशा यही उत्तर देंगे, ठीक है। अब 89 है और 99 से डिवाइड करना है तो कहां होगा, इसका भी 0 आएगा, लेकिन ये जो है यहां पर देख सकते हैं ये डिविजन ऑपरेटर है, लेकिन यही फ्लोर डिविजन की बात करें, यहां पर देखिए 89 है, अपॉन अपॉन दो बार करिए तो यही 0 आ जाएगा, देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए ये अपॉन अपॉन दो बार कर रहा हूं और यहाँ पर इसको 99 से डिवाइड कर रहा हूं तो 0 आ जाएगा, तो देखिए 0 आ रहा है। तो जब भी फ्लोर डिवीजन की बात होगी तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है, और डिवीजन की बात होगी तब तो पॉइंट में देगा आंसर,